अमित भाजी स्टार्ट विथ यू फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेट वेलकम टू मुंबई मेरी टाइम्स लेकिन ये एक अलग कैपेसिटी में आए हैं हाँ जी तो <laughs> uh, मुझे बताएं यू नो सिनेमा हो म्यूजिक हो यू ऑलरेडी किल्ड इट हम जानते हैं आपकी आपकी क्या रेंज है हम सबसे आपको बहुत सारा प्यार ऑलरेडी मिला हुआ है बट आज जब मुंबई में यहाँ पे इस, इस uh, कमाल की uh, uh, you know, ਲੋਗੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹਾਊ ਡਸ ਇਟ ਫੀਲ ਟੂ ਟੂ ਲਾਂਚ ਯਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੇਅ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਆਇਆ ਉਧਰੋਂ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਆਏ ਆ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਵੈਲਕਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅੱਛਾ ਆਪਕੋ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੋਗਾ ਸੋ ਅਜੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਵਾਂਗੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆएंगे तब जो हमारी हिंदी फिल्म है उसका ट्रेलर रिलीज करेंगे सो आई विल टॉक इन प्रॉपर हिंदी ओके गाइस सो ऑब्वियसली मैं पग बांधता मैं थोड़ी जे अगर पंजाबी मिक्स भी होती है तो आई होप ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮਿਕਸ ਮੈਚ ਕਰ ਲੈਨੇ ਬਾਜੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੋ गाइस ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਰਕੇਸ਼ ਤਵਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਲਵ ਦਾ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਪਵਨ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਆ ਪਵਨ ਨਾ ਵਮਣ ਓਕੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਵਨ ਗਿਲ ਨਾਲ ਲਮਨ ਗਿਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ੋਰ ਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਆ ਵੇ ਵੇ ਸੀਟੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਲੈਜੈਂਡ ਨੇ ਦੋ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਯਸਜੀਤ ਅਲੀ ਤੇ ਯੋਗ ਰਾਜ ਸਤ अजय वीरदास जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि मिक्स कल्चर दोनों हरियाणा और पंजाब दोनों मिक्स कल्चर की ये मूवी है आप जब मूवी देखोगे बिकॉज अभी ट्रेलर होगा आपने मतलब इतनी प्योर और इतनी अच्छी जो हरियाणवी बोल रही है हमारी हीरोइन अगर आप फिल्म में देखोगे जाके तो आपको बहुत आनंद आएगा मजा आएगा सो so, आप और कोई परी अग्ञ कंटिन्यू प्लीज जी बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर दैट मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ यहाँ पे इस इस अलग कैपेसिटी में आए हुए हैं इस फिल्म को सबके सामने प्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनली सब कुछ जा रहा है तो वही यू नर्वस ये मुंबई में ऐसा करने से पहले नहीं मेरे को नहीं लग रहा नहीं नर्वस नहीं हो थोड़ी सी कहीं स्लिप ऑफ टंग हो गई मैं डरता भी कोई शोर ना मुंह से निकल जाए ता करके मैं कहना भी रह नहीं दिय न्यूज़ बन जानी है और नहीं, क्या नहीं न्यूज़ का नहीं मसला कोई वैसे मैं तो अपने दिल से ही बोलूंगा वो कहीं और तो गलदा और मतलब बन जाता होता फिर लैंग्वेज बैरियर्स ने थोड़े 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 वैसे नर्वस नहीं पापा शुक्र है नर्वस नहीं होतेंदा कभी ये तो इन्होंने कहा था मुझसे पूछने के लिए पाजी मेरे को बिल्कुल नर्वस नहीं लग रहे हो आप सच बता रहा हूं मैं शादी को आम नहीं नर्वस होती पाजी ਚਾਰਟਿਕ ਆਫਕਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਰਵਸ ਕੱਦ ਲਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚ ਇੱਕ ਨਰਵਸਨੈਸ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਪ ਰੂ ਹੋਣਾ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆਦਰਵਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਜੀ ਕੁਝ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਥਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਡੀਅנס ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਇਸ ਲਈ 50% ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਸਟ हाँ नहीं भाजी ये बिल्कुल नहीं था और ये कभी भी नहीं होगा हमारी जिंदगी में भी ऑडियंस वाइड के लिए काम करना है कुछ करना है बेसिकली स्क्रिप्ट अच्छी हो तो उस पर काम होता है अच्छा भाजी ने लिखी इतनी अच्छी है और हमारा दिल दिलगारा बनाने के लिए और इस मतलब ऐसी फिल्मों के लिए बिकॉज ऑब्वियसली अगर मिक्स कल्चर आ मूवी बनाते हो तो मतलब स्टारकास्ट भी दोनों रीजन्स की होगी राइट पंजाब और हरियाणा की तो फिल्म महंगी भी होती है आपको मतलब सारे मतलब फील आएंगे पंजाबी हरियाणवी हिंदी सब लोगों को ये समझ आने वाली मूवी थैंक यू सो मच पाजी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार बहुत बहुत मूविंग ऑन टू दो नं बाजुआ वेलकम स्वागत है आपका मुझे ये बताइए यहाँ पे यू you नो know, वो बड़ा सॉलिड पंच आ रहा है बड़ा सारा यू नो वो एक अलग टशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे इस हरियाणी छोरी का हरियाणे वाली छोरी का सो क्विकली टेल मी हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू टू गेट इनटू दिस कैरेक्टर बिकॉज पंजाबी से हटके कुछ कर रहे हो आप बहुत अलग है पहला था सत श्रीकाल सारू थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर हाँ राम राम सारे ने थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर कमिंग योर एंड अूज थैंक यू टू मीडिया for showing so much love to the regional industry punjabi industry it means so much to us um aur baki main aapko main abhi bhi itni nervous hu i don't have much to say today because i'm extremely nervous this is something very different um uh, very challenging और मुझे नहीं लगता मैंने जितनी फिल्में आज तक की हैं इतना challenging मेरे लिए कोई भी काम था और इतना difficult और मुझे नहीं लगता मैं इतनी nervous कभी हुई होंगी क्योंकि ਮੈਂ ਸੱਚ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਂਜੀ ਅਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਸੋ ਮੇਬੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਲੈਣੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੋਸ਼ਾ ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕ ਹਰਿਆਣਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਸੁਣੀ ਸੀ ਸੋ ਬਹੁਤ अलग चीज थी बहुत डिफरेंट था तो पहले तो मैंने बोला इनको कि ये आप मुझे क्यों चुन रहे हैं इसके लिए यू नो बट थैंक यू सो मच टू द प्रोड्यूसर्स माय डायरेक्टर सच्ची बहुत मेहनत की थी अगर सच्ची जोरदार ताड़ियां पर बांधिया दिया ने मेहनत की थी लैंग्वेज में लिटरली मतलब ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਛੋਟੇ 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 ਵਰਡ ਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਲੈਂਜ मुझे ऐसा लगता है अच्छी तो मैं नहीं बोलूँगी पंजाबी ठीक है तो मुझे uh, मैम को मुझे करेक्ट करना पड़ता था कि कभी कभी पंजाबी निकल जाती थी बीच में सो दैट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग दैट इट शुड नॉट साउंड हरियाणवी सो ऑल थैंक्स टू द टीम एक्चुअली सुनीता मैम फॉर श्योर सो बट एंड एंड वी जस्ट ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट एंड जब आप कुछ अलग करते हैं तो ना उसमें नर्वसनेस थोड़ी ज़्यादा होती है स्टेक्स आ हायर बट आई एम सो ग्लैड दैट द एंटायर टीम chose something so challenging and uh, I just hope that, you know, it's this film is not just for Punjab and Haryana. Um, in our country we have so many different languages and cultures. Or so Punjabi or Haryanvi, we just thought that, Punjabi and to do that, we have to do that, we have So that, we just to that, we know, these two we they collide that, we make something it we be so much we to watch. So we have <laughs> sure, uh, जहां तक आप लैंग्वेजेस की बात करो मेरे को बोले इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड कौन सा था जो सीखा इस छोरी ने अरे वर्ड्स तो ठीक थे मैं मैं कह तय में मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी अब हम जैसे बात करते हम कहते हैं मैं उसमें मैं मैं में मैं अभी भी कंफ्यूज हो जाती हूँ सो uh, so, और मेरे लिए यही था डिफ़िकल्ट कि जो पंजाबी जैसे मैं तो हरियाणा भी जब बोलती थी मैं तो पंजाबी स्टाइल में बोलती yeah. थी या सो द लिटिल लिटिल थिंग्स आर मोर डिफ़िकल्ट जैसे जो बड़े बड़े, बड़े शब्द हैं जैसे मैंने हांडन लागरी सू ये तो मैंने कभी सुना नहीं था लेकिन इट वॉज़ ईजी बिकॉज इट वॉज न्यू फॉर मी बट द वर्ड्स दैट वॉज सिमिलर तो पंजाबी वर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड मेरे कोस्टर्स ने सर ने uh, अजय ने जिनके साथ मेरे मतलब ये तो हरियाणा से हैं मुझे इतना डर लगता था इनके साथ परफॉर्म करने में लेकिन बहुत बहुत मुझे सपोर्ट किया सबने देखिए यूं तो आप कुछ भी बोल दोगे हम बोलेंगे वाह कमाल हो गया लेकिन एक लाइन तो हरियाणवी में बनती है अरे ये एक... मैं इसीलिए बहुत डर रही थी सुबह से आंख बंद करो सब अपनी है सब खत्म हो जाना चो भाइया देखो मुझे पता था आज ये वाला है आप सब मेरे से ही डायलॉग सुनेंगे इनसे किसी से नहीं सुनेंगे सबसे सुनेंगे? सुनेंगे चिंता ना करो आप अच्छा लो गाना भी हाँ वो तो वो नींद में भी गाना सुना मैं हलवाई है मैं गा दूंगा अच्छा ट्रेलर का डायलॉग सुनाना ਰਬ ਬਾਤ ਬਾਤ ਪੇ ਲਵ ਯੂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਯੋ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਫੈਮਲੀ ਨਾ ਬੇਰਾ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੋ ਮਿਸ ਤੋ ਤੇਰੀ ਫੈਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮਿਸ ਯੂ ਬੇਟਾ ਲਿਖਦੇ ਪਾਵੇਂਗੇ ਫੇਸਬੁਕ ਪੇ ਓਏ ਹੋਏ ਇਸਕੇ ਲਈ ਇਤਨਾ ਸੋਚਣਾ ਪੜ ਰਹਾ ਥਾ ਹਾਂ ਲੇ ਦੇਖੋ ਲੈ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਚੱਲ ਬੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਗੁੱਲਪੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਫੋਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ 98190 ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਪੇ

तो और ये कनाडा में थे पवन और बहुत लंबी बातचीत हुई थी पूरी स्टोरी सुनाई थी ये वो तो तो मुझे सच में बड़ा एक हैरानी हुई थी कि इस रोल के लिए सोनम क्यों और सोनम को जब मैंने काम करते हुए देखा क्योंकि अभी बात चल रही थी तो मैं उसको अभी उसी उसी तार से जोड़ के बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार मैं जब ये डायलॉग बोलती थी तो मैं बोलता था ठीक है ना डबिंग में ठीक हो जाएगा बोले नहीं, नहीं 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 पूरा इसी में ठीक करना है और ये वाकई में चाहे चार तीन टेक हो चार टेक हो मुझे पता है वो लड़की सुनीता जो इनको सिखा रही थी सुनीता शर्मा वो दंगल और तनु मनु में भी हरियाणवी सिखा चुकी उनको सबको तो बहुत अच्छी एक टीचर है तो आ, मैं इनकी उस लगन को देख करके और इनकी जिद को देख करके मैं रियली आई कैन से वंस अगेन कि ये फिल्म जो इतनी बढ़िया बनी है और जो इतना अच्छा ताम झाम हर तरह का मुझे हिंदी फिल्म से कहीं भी कम नहीं लग रही थी बाकायदा मेरी फिल्म चंदू चैंपियन भी इसी में रिलीज है चौदह तारीख को ही तो बड़ा ये बोल रही थी किसको प्रमोट करोगे चंदू चैंपियन को या हरियाणा हरियाणा वाली दी मैंने कहा अपनी बिटिया को प्रमोट करेंगे पहले तो <laughs> 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 क्योंकि वहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं पता नहीं न, कितना वक्त लगेगा लेकिन यहाँ ज़रूर मेरे क्योंकि हरियाणा की फ़िल्म है और पंजाब की फिल्म है और दोनों की फिल्में मैं काफ़ी कर चुका हूँ हरियाणवी पंजाबी में और मैं चाहता हूँ दिल से कि लोकल सिनेमा जो है वहाँ का हरियाणा पंजाब का शिखर छुए जैसे मराठी मलयालम सिनेमा है जैसे और सिनेमा है उसकी तरह उनका भी नाम हो सेंसिबली सेंसिबल सिनेमा की बात कर रहा हूँ मैं जो कि बहुत पंजाबी में भी दस में से एक आ जाती है सेंसिबल हर फिल्म नहीं होती है मैं जानता हूं आज ही एम भाई बता रहे थे काफी अच्छी बातें कुछ पंजाबी सिनेमा के बारे में तो मेरी बस पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग क्योंकि आप जो हैं वो जो देश के जो धुरी है स्तंभ है आप हैं आप किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं और किसी को भी आबाद कर सकते हैं तो ये आपके हाथ में है ट्रेलर देख करके आपको जैसा लगे जरूर ऐसा वैसा ही लिखिए जैसा मन करे जैसा लगे क्योंकि वाकई वो बहुत जरूरत है सच्चाई की थैंक यू सो मच थैंक यू सर थैंक यू सो मच ये शेयर करने के लिए हमारे साथ योगराज सर मेरा अगला सवाल जी सब ठीक हाँ जी हाँ जी मेरा तो हरियाणवी रोल था <laughs> उसे ही ट्रांसलेट कर दो है पंजाबी मैं दूजी और होर कोई फिल्म बोल सकता वो जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल में योगराज सर दिसकोर्स इतने साल से आप इंडस्ट्री में रूल करते ऑफ़ कोर्स आपकी पर्सनालिटी से मेल खाता है बिल्कुल साथ में जा रहा है तो ज्यादा डिफिकल्टी तो नहीं होगी हुई होगी इसे निभाने में और दूसरी चीज जिस तरह से सर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री जो इवॉल्व की है इतने वक्त में उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए आपकी बात का जवाब दूं मैं कुछ अपने दिल की बात आप लोगों से करना चाहता हूं बंबई एक ऐसा शहर है मुंबई हो गया अभी बयालीस साल पहले मैं यहाँ आया था तो मैंने क्रिकेट का दौर अपना शुरू किया था मफतलाल मफतला मुझे नौकरी मिली थी इस धरती ने मुझे बहुत कुछ दिया है पंजाब के बम्बई मुंबई के लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है एक्टर कब बना कैसे बना मुझे पता लगा इतने बड़े बड़े मुजिब लोग बैठे हैं इनके बीच में मेरी कोई औकात नहीं है लेकिन क्रिकेट छोड़ने का और क्रिकेट का जो दर्द है वो मेरे सीने में हमेशा रहेगा बेशक युवराज सिंह बहुत बड़ा प्लेयर बन गया लेकिन मुंबई की धरती को हमेशा मैं सलाम करता हूँ आज बहुत सालों के बाद यहाँ आया हूँ जब पंजाबी पिक्चरें मैं करता था जवानी में खैर अब भी जवान सफ़ेद दाढ़ी में मत जाइएगा तो हमारी डबिंग एडिटिंग वगैरह सब यहीं होती थी और मैं मातृभाषा में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है आ, तो यहाँ पे हम बहुत रहते थे मुंबई बयालीस साल पहले आपने तो शायद कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे तब यहाँ हम आया करते थे सब कुछ यहीं होता था बहुत सारे किस्से हैं मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए बहुत सारे चांसेस मुझे मिले बहुत सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर मुझे कहा विनोद खन्ना जी के साथ धरमधर्म जी के साथ ये वो तो वो बात बनी नहीं क्योंकि क्रिकेट मुझे ज़्यादा अजीज़ है आज भी मुझे क्रिकेट बहुत अजीज़ है अपनी फिल्म इंडस्ट्री से या अपनी एक्टिंग से

सनी भाई ने बोला कि यार योगराज तुम भी क्या करोगे मैंने कहा सर मैं आपको कुछ करके दिखाता तो 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 मैं वो वो मेरा मेरा गांव देश ये वो सब तो मेरे बोला तो मुझे कहने लगे मुझे लगता है क्रिकेट कम खेलोगे एक्टर बनोगे तो मैं आज भी सनी सर को बोलता हूँ मैंने कहा आपका वो वरदान मुझे एज एन एक्टर बना गया और युवराज को क्रिकेटर बना गया अब बॉम्बे में आना चाहता था यहाँ काम करना चाहता था हिंदी पिक्चरों में लेकिन सबब बन गया पंजाबी पिक्चरों का मैं अपने आप को आज भी एक्टर मानता नहीं हूं लेकिन जो खुदा ऐसा ऐसा वो है कि अगर उसकी कृपा हो अगर उसका हाथ हो सर पे तो गधा भी घोड़ा नजर आता है मैं उनमें से एक हूं ऑनेस्ट कन्फेशन मैंने एक्टिंग सीखी नहीं मुझे एक्टिंग आती नहीं मुझे पता नहीं लेकिन एक था जब मैंने बाल कटाया तो मेरे पिताजी ने मुझे बड़ा मारा अरे क्या कर दिया मैं कहा जी मुझे लोग बोलते हैं मैं धर्मेंद्र झा लगता हूँ तो उस सब बातें जहन में शायद कभी होती हैं और प्रोड्यूसर लोग जैसे दी ग्रेट पवन जी उनके ब्रदर ये सब लोग सोनम जी ये अपने राकेश जी दस साल पहले अन एमी इन लोगों को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है यार तू तो क्या खाका एक्टर है लेकिन चलो मैं कर जाता हूँ जो भी करना है लेकिन लोगों ने मुझे एक्टर माना ये आप लोगों की तौफीक है आप लोगों का आशीर्वाद है थैंक यू सो मच इतना योग तो नहीं था लेकिन आपने मुझे बहुत कुछ दिया है और वो जो दौर क्रिकेट का यहाँ से शुरू हुआ फिल्म इंडस्ट्री का शुरू हुआ आज चलते 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 बावन साल में इतनी पिक्चर करने के बाद फिफ्थ जनरेशन फोर्थ जनरेशन मेरी ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन बेटे इनके साथ काम करके मुझे कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ क्योंकि मैं आज भी कहता हूँ सबसे प्रोड्यूसर से यार मुझे जरा हीरो लेके देखो फिर रोमांस देखो क्या होता है

और खुदा की जर्रा नवाजी है आ, उसकी रहमत है और मुंबई की धरती वालों आपके चरणों में प्रणाम है प्रेस इस धरती ने मुझे जो दिया है वो मैं हमेशा बोलता हूं और उसका मैं ऋणी रहूंगा शुक्रगुजार हूँ हूं थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया एज एन एक्टर और मेरी औकात बनी के महान एक्टर के साथ बैठ सका पवन जी जैसे प्रोड्यूसर्स पता नहीं मैं एक बड़ा इमोशनल आदमी हूं मैं रिलेशनशिप में बिलीव करता हूं ये पैसा ये शौरत ये टोपी घुमाना ये मेरे बस का बात नहीं है भाई बट वेर एवर आई गो बावन साल में फिल्म इंडस्ट्री में क्रिकेट खिलाते हुए खेलते हुए कोचिंग करते हुए ये मैं बात कहना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में पवन जी जैसे इंसान ऐसा प्रोड्यूसर ऐसा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा मेरी ऑनेस्ट बात है जो बोलूंगा सच बोलूंगा ठोक के बोलूंगा बेशक कोई किसी को अच्छा लगे ना लगे लेकिन ये लोग वो हैं मेरी जिंदगी में जब भी रिलेशनशिप बने हैं क्रिकेट में क्रिकेट खिलाते हुए फिल्म इंडस्ट्री में चंद लोग ऐसे हैं जिनको मैंने अपने दिल से लगा रखा है तू शाहिन है परवाज़ है काम तेरा तेरे सामने आसमां और भी हैं इसी रोज शब्द में उलझ करना रह जा कि तेरे जमीन और मकान और भी हैं सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं और भी सो थैंक यू ऑल प्रेस ये सफर जो बयालीस साल पचास साल जो गुजरे हैं वो आप लोगों के प्यार से आशीर्वाद से आपकी गोद में नमस्कार थैंक यू थैंक यू गॉड लव यू ऑल, थैंक यू सो मच सर आपने कुछ पूछना है और मैं सर मैं आवाज़ निकल रही हम मेरी इस बुलंद आवाज के आगे हुँ, हुँ, ऐसे हो गया अब बट थैंक यू सो मच एंड अब मैं समझ गया किस हिसाब से वो पंजाबी इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है सर और इसीलिए दूर दराज तक जा रही है बिकॉज वी हैव सच वंडरफुल पीपल इन द इंडस्ट्री मेरा एक सपना था जब मैं बॉम्बे में आता था ये भी आपसे शेयर कर लू कि कभी ऐसा वक्त आएगा कि पंजाब के एक्टर होंगे पंजाब के राइटर होंगे पंजाब के मेकर्स होंगे पंजाब के प्रोड्यूसर्स होंगे सब कुछ पंजाब की धरती पे होगा तो वो मेरा एक सपना था कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री एक दिन बॉलीवुड हॉलीवुड सज्जन सिंह रंगरूट पिक्चर बनी तो हॉलीवुड के साथ कंपेयर करी गई और उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला लेकिन वो वो जब सपना साकार हुआ ये सब लोगों की वजह से तो मैं आप लोगों का लिए हूं कि उस पंजाबी लैंग्वेज कल्चर को आपने जो चार चांद लगाए हैं उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच अच्छे भाई दिस वंस फॉर यू यू नो आप भी अपने कल्चर को हरियाणवी को इतनी दूर दराज तक लेके जा रहे हैं अपने गानों के थ्रू बिलियनर रख लो सर आप तो अपना नाम सारे वीडियोस पे बिलियन व्यूज होते हैं अभी इस फिल्म के साथ इस कास्ट के साथ जो ये जर्नी रही प्लीज इसके बारे में थोड़ा बताइए पहले तो राम।, राम राम सभी को नमस्कार हाँ भाई राम राम सारे देखिए सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले जिन्होंने मुझे चुना सच में मैंने म्यूजिक एल्बम्स किए हैं गाने किए हैं बहुत प्यार दिया है पूरे हिंदुस्तान ने तो फिल्म ये मेरी दूसरी है और सच में कहूँ तो पहले इसलिए कह रहा हूँ कि पहली बार थोड़ा सा सीरियस हो के पहली बार जब फिल्म कर रहा था मैं तो इतना सीरियस नहीं था नहीं मुझे पता था लेकिन पहली बार सीरियस हो काम किया उसकी वजह मेरे डायरेक्टर पूरी टीम और खासकर कर एमी भाई इन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया मुझे कि मतलब मैं अच्छे से हर चीज़ कर पाया झिझक थी मेरे अंदर उसके बाद पूरी टीम सोनम जी इन्होंने भी मतलब ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि मैं न्यू कमर हूँ पहली बार ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे प्रोड्यूसर ने मुझ पर विश्वास जताया जितना भी मेरा करेक्टर है मैं सही कह रहा हूँ कि मैं होनेस्टली मैं अच्छे से कर पाया नहीं तो नहीं कर पाता अगर मेरी टीम इतनी अच्छी नहीं होती हरियाणा पंजाब की ये फिल्म है ये ऐसा नहीं है मुझे लगता है ये पूरे हिंदुस्तान की फिल्म है सभी तरह का फ्लेवर है इस फिल्म के अंदर तो सबको देखनी चाहिए और आप लोगों को जैसी लगे आप लोगों को वैसी ही बताइए होनेस्टली बताए इसपाल जी ने आप सच लिखिए और उम्मीद करते हैं हम भी जब पढ़ते हैं तब भी उम्मीद करते हैं आपने सच लिखा होगा तो आज भी हम चाहते हैं आप सच लिखे जैसा आपको लगे और जब आप सच लिखेंगे तो मुझे लगता है लोगों तक ये मैसेज जाएगा और लोग जरूर फिल्म देखने आएंगे थैंक थैंक यू यू सो मच दैट्स रॉक स्टार अजय अजय होटा टॉकिंग टू द प्रोड्यूसर्स लेकिन उससे पहले ऑफकोर्स इट इज ओनली फेयर राइटर डायरेक्टर साहब के लिए एक बार तालियां हो जाए यार खम राकेश सर मैं एक बात बोल सकता हूँ प्लीज सर ये डायरेक्टर साहब की तो मैंने बात ही नहीं करी तो इन्होंने जब मेरे को कैरेक्टर सुनाया मैंने कहा भैया ये मेरी फील्ड नहीं है मैं वो वो जंग सिंह घोड़े पे बैठ के आ सकता हूं। तो ये डायरेक्टर है जो बहुत कमाल का एक्टर है टू बी वेरी ऑनेस्ट जिस तरह ये एक्टिंग करके बताते हैं आर्टिस्टों को मैं कहता हूं तो अगर आप फिफ्टी इनको फॉलो कर लोगे तो सुपरस्टार बन जाओगे एक डायरेक्टर में ऐसी एक्टिंग और ऐसी टेकिंग और ऐसा बातचीत भी एक कमाल की बात है ऐसे भी डायरेक्टर कभी कभी जिंदगी में मिलते हैं आपका बहुत बहुत नर... ने तारीफ करती मैडम ने मैं और नर्वस हो गया हूँ इतने जोगा है नहीं मैं इन जोगा तीन चार लाइनें बोलनी थी वो कॉपी हो गई है मेरी <laughs> पहली ये कि थैंक यू प्रोड्यूसर ने मेरे पे फेद किया अच्छा अभी ज्यादा मुंह कितने ਨੇੜੇ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਦੂਜਾ ਮੇਰੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਸੋਨਮ ਜੀ ਨਾਲ ਐਮੀ ਪਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਨੇ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਨ ਪਿਲਰ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੂਜੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਤੀਜੇ ਮੇਰੇ ਡੀਓਪੀ ਅਨਸ਼ੂਲ ਚੋਬੇ ਜੀ ਅਨਸ਼ੂ ਜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰੀ ਜੋ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਖਾ ਪਾਤਾ ਅਗਰ ਅਨਸ਼ੂਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੱਚ ਮੈਂ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ

यत्न किया है इसके लिए हम आपके सामने समक्ष यहाँ पेश हुए हैं कि आप यहाँ इन्हें पैर इंडिया तक लेके जाए इस चीज को ज्यादा मैं जा रहा बोलिया नहीं जा रहा थैंक यू सो मच बस इतना ही कहूंगा जी थैंक यू सर थैंक यू सो मच विद ब्यूटिफुल स्माइल सब कुछ तो बता दिया सर आपने थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया एंड आपको बताई मेरी माँ भी कहती है मेरी स्माइल अच्छी है <laughs> और किसी ने जिसने कहा

ये प्रोड्यूस कर चुके हैं फिल्म में पहली बार हम पंजाबी फिल्म का ट्रेलर कास्ट को यहाँ लेके आए हैं वही ज़रिया है आपके थ्रू एक नेशनल ऑडियंस को रीच करने के लिए मैं थैंक यू कर रहा हूँ राकेशी का ये स्क्रिप्ट सुनाने के लिए इन्होंने जब पिछले साल सुनाई आई थिंक सोनम जी और मैं साथ में बैठे थे एंड उनको आइडिया पसंद आया था वो करे ये फिल्म मैं करूँगी एंड देन फिर एम uh, सर e. के साथ मैं बैठा था कैनाडा में एंड वहाँ सोच रहे थे आग करना मैं क्या आपने वो आइडिया सुना वो क्या हाँ याद है तो सुनते हैं हमने तुरंत राकेश जी को फ़ोन लगाया एंड इन्होंने ये लंडन बैठे थे शायद तो इन्होंने एक बोला मुझे एक घंटा दो मैं निरेशन देता हूं तो एक घंटे बाद आई थिंक दो घंटे की निर्देशन फोन पे हुई एंड एम मी सर कहा ओके डन एंड उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ वहीं पे फिर मैंने आई थिंक यशपाल जी को फ़ोन किया सब फोन चालू हो गए तो आई थिंक दिस में भी ऐसा कोई प्लान नहीं हुआ भी ये कोई फिल्म बनानी है भी नेशनल ऑडियंस को रीच करनी है ये एक स्टोरी हमें अच्छी लगी भी एक न्यूनेस आएगी पंजाबी सिनेमा में एक न्यूनेस आएगी uh, नेशनल सिनेमा में तो इस कारण हमने बनाई है दैट्स वाई थैंक यू सर यशपाल जी योगराज जी अजय जी फॉर ज्वाइनिंग द कास्ट एम बीग हेटे थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट अमन मेरा अगला सवाल आपसे है यू नो वी मेट ऑफ कोर्स हिंदी फिल्मों को लेके पंजाबी फिल्मों की हमने बात की हुई है जर्जी हो हिंदी में शहजादा हो यू ऑन दिस स्टेज उसके अलावा uh, शड़ा की बात करें या पाउडा की बात करें जो आप लोगों ने पंजाबी में बनाई है अभी यहाँ पे ये यह जो रिस्पॉन्स मिल रहा है इसके ऊपर आपको क्या बोलने का uh, फिल्म की कोई लैंग्वेज नहीं होती है क्या इंडिया इतना बड़ा देश है जहाँ सब मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलते हैं और ईच स्टेट का डिफरेंट लैंग्वेज है तो हमारा मकसद यही था भी फिल्म अच्छी बननी चाहिए और क्या है एक्ट्रेस पंजाबी है और सेटिंग पंजाबी हरियाणा है, है तो इसलिए वो लैंग्वेज हमने पंजाबी चुना है पर uh, जो राइटर एक्टर कभी वो ये नहीं सोचते भी हम इनके लिए बना रहे हैं इनके लिए नहीं बना रहे वो सिर्फ अपनी कला कर रहे हैं और इनकी सबकी कला हमने पेश की है एंड वी होप दैट ऑल यू गैज लाइक इट एंड खासियत यह भी एंटरटेनमेंट में कुछ मैसेज भी है तो सबको पसंद आए एंड आई डोंट वांट टू टेक अप टू मच टाइम आई थिंक थी वॉर स्पोकन तो थोड़ा सा लोगों को क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बिकॉज आई थिंक एवरीबडी इज गेटिंग बेट भी आगे बढ़ते हैं तो प्रोड्यूसर साहब ने कह दिया मैं कौन होता हूँ किसी को रोकने वाला सो इट्स ओवर टू ऑल यू अमेजिंग पीपल हियर आइए कहाँ से आ रहा है पहला सवाल uh, sir, <laughs> <laughs> एक मिनट यशपाल सर मैं जाऊं मेरा मैं माफी चाहूंगा तो मेरा डेलाइट का ही शूट है तो मेरे को जाना पड़ेगा ठीक है यशपाल सर के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच प्लीज कैरी ऑन सर थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए ऑफ कोर्स फिल्म को सबको देने के लिए ये ट्रेलर हेलो जी आ, राकेश जी मेरा सवाल आपसे है कि आपने बहुत सारी यूनिवर्स बहुत सारी हिट फिल्में बना चुकी है बहुत सारी हिट फिल्में लिखी है और दो डायरेक्ट भी की है तो आपकी फिल्मों का यूनिवर्सल थीम जो है रोमांस कॉमेडी और एंटरटेनमेंट रहता है तो क्या ये इसी थीम को आप पकड़ के चलते हैं कि क्या है नहीं जी मैं सबसे पहले फैमिली पकड़ता हूँ जी कि बड़ी साफ कॉमेडी हो एंटरटेनमेंट तो हो बट फैमिली हो रोमांस uh, ठीक है मेरे लिए बट सेकेंडरी रोमांस है फर्स्ट फैमिली है दो तीन तरह की सर ऑडियंस होती है एक होती है न्यूट्रल जो अपने आप को हंसने से रोकती नहीं है उसको हंसी आती है वो हंस लेती है एक होती है जो बिना बात के भी हंसती है लाइट मोड पे भी और सर एक ऐसे मातम वाले चेहरे होते हैं जो हंसाए जो तब तो भी नहीं हंसते वो बंदे तो मैं मैं लिखता हूँ तो मुझे लगता है कि उसमें फैमिली हो लाफ्टर हो रोमांस हो बच्चे भी आए बूढ़े भी आए तो वो एक मतलब तो जब आदमी शौक के लिए लिखता है ना तब थॉट्स आते हैं जब हम कमर्शियल हो जाते हैं फिर थॉट्स सोचने पड़ते हैं तो मैं सोच के लिखता हूं कि मुझे ऐसा ऐसा लिखना है तो मेरा भी वो स्टाइल हो गया कि सर फैमिली रोमांस इमोशन ड्रामा अमरिंदर अमरिंदर पाल सिंह एम ई जी अमर एम जी एम जी एंड सोनम जी आपकी जोड़ी बड़ी अच्छी लगी हमें हमें भी बहुत अच्छी लगती है सर ये ऑलवेज काफी सालों से हम ये जोड़ी देखते आ रहे कामयाब जोड़ी है इस कामयाबी के पीछे क्या राज है कुछ रोशनी डेफिनेटली uh, स्क्रिप्ट uh, जब एक अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो उसमें जब दो एक्टर साथ में आते हैं तो हमेशा मुझे लगता है कि अच्छे लगते हैं एंड ऑडियंस का बहुत थैंक यू है कि उन्होंने हमेशा जो भी फिल्म मैंने और एम ने किया है बहुत प्यार दिया है

हेलो या मेरा सवाल एमी जी से है जी सर अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म देखी थी हिंदी फिल्म थी गुरु रंधावा हीरो थे जी उसमें चार पांच गाने थे वो सबके सब पंजाबी थे फिल्म प्योर हिंदी थी जी सर और फिल्म द एंड होने तक ये नहीं फील हुआ कि सारे गाने पंजाबी क्यों इक्वली एंजॉय द फिल्म एंड होने के बाद हमारे एक सीनियर पत्रकार ने बोला कि यार इसमें तो सारे के सारे गाने ना पंजाबी थे जी। फिल्म हिंदी है फिर मुझे स्ट्राइक हुआ यस ऐसा तो है तो फिर ये पंजाबी एज ए लैंग्वेज इतनी ज्यादा जो जेल हो जाती है किसी और लैंग्वेज वालों के साथ में इसका क्या बेसिक रीजन हो सकता है सर बेसिक यही है कि मतलब ज्यादा डिफरेंट नहीं है हिंदी से मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं जैसे मतलब साउथ की लैंग्वेजेस हैं वो बहुत ही मतलब हिंदी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और म्यूज़िक सर ये तो मतलब पांच गाने ऑब्वियसली गुरु पंजाबी है तो मतलब वो उसका पंजाब में गाँव है तो उसकी मूवी थी उसके पंजाबी गाने थे लेकिन वैसे भी एक या दो गाने हर मूवी में जो मतलब पंजाबी आर्टिस्ट नहीं भी होता अगर मतलब यहाँ मुंबई के भी सर मतलब वो जो साउथ के डायरेक्टर अभी एनिमल मूवी आई थी वो डायरेक्टर साउथ के हैं हीरो मुंबई से हैं रणबीर कपूर और गाना सबसे ज़्यादा पैर जोड़ के गंडासी मारी सर वो पंजाब का भी एक्सट्रीम फोक है वो तो वो गाना आया और पूरे इंडिया ने सुना है वो साउथ में भी चला है हर जगह चला है वही बात है ना सर मतलब जैसे अमन पाजी ने बोला कि फिल्म की कोई लैंग्वेज नहीं थी म्यूजिक भी कोई लैंग्वेज नहीं है सर वो आपको स्ट्राइक करना चाहिए वैसे सर आपको मेलोडी अगर अच्छी लगेगी तो वो डाल दी जाती है किसी भी मूवी में कोई सा भी गाना वर्क कर मतलब हो जाता है मोस्टली ऐसा होता है सिचुएशन की वजह से गाने जो वो डलते हैं हमारी मूवी में भी आपने ट्रेलर में गाना देखा होगा तो की पंजाब की हरियाणा की गुड़गावा की लुधियाणा एक गल so, इसमें एक जैसे भाजी ने भी बोला मैसेज की भी बात है सो म्यूजिक लैंग्वेज है म्यूजिक मतलब किसी भी uh, प्रकार का हो सकता है किसी भी मूवी में सो so, वो लोगों को पसंद आना चाहिए सर दस मेन थिंग थैंक यू जी हेलो सर हेलो एवरीवन, माय माई नेम इजी फ्रॉम फिल्मी And my question is to Ami sir and Ajay sir. Since you got, I would say you guys are creators as an actor and as a singer, right? But at this point of time, there are a lot of actors in the Hindi film industry overall who are transitioning from mu from musicians to acting or acting to singing. What's your take on that? And if given a choice, what would be your first love? Obviously, music, ma'am. So, se Punjab, if you came to. मैं टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं मैं बोलूँगा मतलब जितने भी अभी जो 2010 के बाद वाला जो बैच है मोस्टली जो आर्टिस्ट फिल्मों में काम कर रहे हैं मोस्टली सिंगर्स हैं सो so, इसमें ऐसा है वो ऑलरेडी कैमरा फेस कर चुके होते हैं उन्होंने मतलब दस पंद्रह बीस पचास गाने कर लिए ऑलरेडी सो व उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी होती है उनको लोग जानते भी हैं इसकी वजह से उनको मतलब आ, फिल्में मिल जाती हैं वो ट्राई करते हैं अगर सक्सेसफुल हो गए तो वो फिल्में कर लेते हैं अगर फिल्में नहीं चलती तो फिर जो गाने चल रहे होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं चलने सो so, अगर आप मुंबई की बात करो जब सबसे पहले मतलब मतलब सबसे स्टार्टिंग में जब बॉलीवुड की मूवी शुरू हुई थी वो भी सिंगर ही थे सबसे पहले वो सिंगर्स थे तब उनके बाद वो एक्टर्स बने एक्टर्स के बाद एजन उसके बाद अभी जो थिएटर के आर्टिस्ट आने लगे सो पंजाब में भी अभी थिएटर के आर्टिस्ट कितने काम कर रहे हैं अभी जैसे यश जी हैं उन्होंने थिएटर किया राइट एनएसडी के स्टूडेंट्स हैं काफी जो मुंबई में भी काम मिल रहा है सो so, जो आप पहला इश्क पूछोगे तो वो म्यूज़िक ही ऑब्वियसली वो पीछे हमने छोड़ दिया था तीन चार साल पहले हमने मतलब ज़्यादा मैं म्यूज़िक पे काम कर नहीं पाया सो so, लेकिन अभी मूवीज़ uh, थोड़ी कम की हैं तो म्यूज़िक थोड़ी कम अपना uh, फिल्में कम करके तो अभी थोड़ा म्यूज़िक uh, पे ध्यान देंगे दोबारा बाकी अजय सर बोलेंगे अभी आपने बता ही दिया हेलो बता ही दिया भाई ने कि प्रोड्यूसर और ऑडियंस एक चेहरा मिल जाता है उन्हें कि मतलब जो पॉपुलर होता है उसका फ़ायदा प्रोड्यूसर भी उठाता है और ऑडियंस भी उसे देखना चाहती है एक नए चेहरे पर रिस्क लेना एक बड़ी बात होती है रीजनल सिनेमा के लिए तो बस यही बात है कि जो चल रहे होते हैं अगर वो अच्छा काम कर पाते हैं तो फिल्में मिलती रहती हैं आगे चलते रहते हैं अगर नहीं करते हैं तो या तो म्यूज़िक करते हैं या धीरे धीरे वहाँ से भी बाहर हो जाते हैं सब तो बड़ा सरप्राइज में तो जमा सारे ਸੋਨਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲਿਟਰਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ ਆਲਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਫ ਦੈਟ ਸੌਂਗ ਸੋ ਬਾਬਾ ਸੋਕਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਗਾਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਲ ਰਾਈਟ ਗਾਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ 杜 ਦਰ ਬੇ ਗਿਫਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਬਈ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰਾ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਯੋ ਓਨ ਦ ਸਾਈਡ ਹਾਈ हेलो दिस इज़ आस्था फ्रॉम ऑसम टीवी एंड आई हैव टू से दैट ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है आप दोनों की आई वांट टू नो दैट ऑफ स्क्रीन सेट पे क्या माहौल होता था एंड किस तरह से था सब कुछ लड़ते थे जी बहुत ज़्यादा ये मैंने कल ही कह के हटी है तू सड़ू है तू सड़ू है मैं कहती सी गल मैं मैं कद नहीं किसी ने कहा At times he is. Spend one day with him. You, know, uh, you 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 know, would agree with me. Spend no babe. No 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 no. No, some Some part part of of is is Fully not definitely sadhu. Okay, okay. But I have to say मैंने बहुत फिल्में की हैं एमी के साथ सो एक आई थिंक सबसे ज्यादा कम्फर्ट एमी के साथ है जितने भी मेरे कोस्टार्स हैं कि मैं मतलब एमी के साथ सबसे कम्फर्टेबल फील करती हूँ सो दिस फ्रेंडशिप सो यू नो वेन यू आर वर्किंग विद फ्रेंड्स इट्स मोर फन

जानते हैं ना कि हीरो जब सिफारिश करता है तो फिर वो चीज़ हो जाती है तो जब मुझे लेट आना होता है तो मैं फिर एमी को बोलती हूँ कि कल कि कितने बजे आना है आपको तो वो तो आराम से आएंगे तो देन यू नो आई फील हैप्पी दैट ओके पर <laughs> आपने ट्रेंड चेंज कर दिया है अब आपकी भी सुनी जाती पूरी इंडस्ट्री में बट मैं फिर uh, ਇਨਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਗਵਾ ਕੇ ਪਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਨ ਸੀ ਇੱਕ ਨਿਕਜਲਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਲਮਿਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਨ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਹਵ ਟੂ ਡੂ ਪੈਕਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ ਬਲਬਲਬਲ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਨੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਫੋਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਗਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਐ ਬਾਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਵਨ ਦੇ ਘਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਸੀਨ ਕੈਨ ਮੈਂ ਕਿ ਘਰ ਪਵੰਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸੀਨ ਉਹਦਾ ਘਰ ਮੈਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡੌਗਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਲੂ ਦੈਟ ਵੀਲ ਮੈਨੇਜ ਡੋਨਟ ਵਰੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸੋਨਮ ਕੋ ਹਿੰਦੀ ਸੌਂਗਸ ਤੋਂ ਕੌਨਸਾ ਸੌਂਗ ਕਰਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜੀ ਨਾ ਨਾ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਓ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਣਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵੰਗਦਾ ਲਹਿਲਾਨਾਪ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦਾ ਸਾਫ ਉਹ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਫਲ ਜਦੋਂ ਪੱਕਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਦਾ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਨੇ ਉੱਡਣੇ ਸੁਪਾ ਨੂੰ ਬਿੱਲੋ ਡੱਕਿਆ तेरा तेड़ा है बर्फ जया देखी तप तप बन जाए भाफ नी मैं कम तंदे सारे छड़ के तेरी वंगदा लाना लनाप थैंक यू सर थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू अभी के लिए एंड जाते-जाते वन लास्ट थिंग अजय भाई आप सोनम एंड अमित पाजी यू नो वो मुक्दड़ उठा रहे हम लोग देख रहे हैं इसमें उसको उसके बारे में थोड़ा सा बता दो रेसलिंग वगैरह की है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था इजी था क्या था पहलवान नहीं है पाजी मतलब बहुत ओंखा काम है हाँ? एक्टिंग करने भी बहुत ओंखा काम है कुलडा दा उधूं भी बहुत ज्यादा ओंखा okay. काम है सो so, एक बार जोरदार ताड़ियां पहलवानों ने भाई जो अपने मुल्क के पहलवान हैं आ वीर होनी साडे नाल बैठा है एक बार मैं वीर होना प्लीज इधर आओ जिन्ना ने मतलब सोनम दे भ्रा दा किरदार कीता है वीर होनी सच्ची पहलवान ने इधर आओ वीर ऊपर आ जाओ आपा फोटो करदे यार एक बार जोरदार ताड़ियां आंशुल सर प्लीज आओ इधर और जेड़े जेड़े मेन मेन हैगे आ जाओ आप ही आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारी मेहनत मेरी जान मैं मखौल करता आओ एक करी आ वीर साडा भलवान है जो मूव वगैरह सू दस वीर उन्हें दस बहुत, बहुत बहुत प्यार अंशु जी आओ ये साढ़े डी ओ पी साहब ने कुर्सियां ला जो बशक दी सो हियर इज द एंटायर क्रू आई वुड से एंड द कास्ट ऑफ दिस मूवी पाजी कुर्सियां रख लो सर जाना आलो पढ़ो